तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है अपने एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक टाटा मोटर की ओर से आने वाली एक ऐसी कार के बारे में जानकारी जो कि काफी ज्यादा फेमस है इन दिनों। जी हां दोस्तों, मार्केट में काफी ज्यादा धमाल मचा रखा है इस गाड़ी ने। दोस्तों कौन सी गाड़ी होने वाली है, कैसे फीचर्स होने वाला है, कब ये लॉन्च हो जाएगी या लॉन्च हुई है, या दोस्तों डीजल पेट्रोल सीएनजी किस चीज में, इलेक्ट्रिक में किस चीज में आने वाली है, तो दोस्तों सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कंप्लीट बहुत जरूर से जरूर कीजिएगा अंत तक। दोस्तों सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोगों ने जिस तरह से हमारी पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया है। हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये गाड़ी काफी ज्यादा चर्चा में है इन दिनों, मार्केट में काफी ज्यादा फेमस हो रही है क्योंकि इसका जो ओवरऑल डिजाइन है ना, आप इसका फ्रंट लुक भी देख सकते हैं। आपको इसमें एक क्रोम का काम देखने को मिल जाएगा बोनट के जस्ट नीचे, वहीं टाटा का लोगो देखने को मिलेगा काफी प्यारा, और इसमें आपको हैलोजन हेडलाइट के साथ में एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है नीचे फॉग लैम्प भी काफी प्यारे तरीके से लगाया। अगर बंपर की बात करें तो ग्रीन शेड में आपको बंपर देखने को मिलेगा, काफी प्यारे टायर्स के साथ में देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल में भी पहले की टियागो थी उस टाइप से ही देखने को मिल जाता है, ज्यादा कोई ऐसा चेंजिंग नहीं किया। अगर सीटों की बात करें तो सीटों में काफी अच्छी आरामदायक सीटें होने वाली हैं। वहीं इसके अंदर आपको लगेज के लिए काफी अच्छा बूट स्पेस देखने को मिलेगा, दो से तीन बैग बहुत ही आसानी से इसके अंदर रख सकते हैं। वहीं सीटों की बात करें तो सीटों में, पिछले सीटों में या अगली सीटों में भी थाई सपोर्ट काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, ताकि आप अपना बैठे आराम से तो पैर आपका दर्द ना करे और सीधा का सीधा पैर रखा रहे। जी दोस्तों, और बात करें इसके एसी की तो एसी भी काफी कमाल के, एसी भी काफी चिल्ड है, हाई लेवल हाई प्रोफाइल लेवल की एसी लगाई है इस गाड़ी के अंदर। और दोस्तों इसके अंदर आपको सनरूफ तो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इतने पैसे में सनरूफ तो बस नॉर्मल सी बात नहीं मिलता है। मतलब क्या प्राइस होने वाला है, सभी चीजों के बारे में बताएंगे। और गाइस अभी बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर क्या अनूठे फीचर आने वाले हैं, क्या इसका इंटीरियर होने वाला है, कितना कमाल की गाड़ी होने वाली, तो दोस्तों आपको बताया था टाटा टियागो ने अपनी इस गाड़ी को न्यू तरीके से, न्यू टेक्नोलॉजी पर काफी अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया है। वही बात करें आपको इसके अंदर की, तो दोस्तों इसमें काफी तरह के रंग भी देखने को मिलेंगे इंटीरियर में भी और आउट में भी। जी दोस्तों, कई कलर के ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है टाटा मोटर्स की टाटा टियागो। तो गाइस डीजल पेट्रोल सीएनजी में तो काफी पहले से ये गाड़ी आ रही है, भी इलेक्ट्रिक में आई नहीं है, जिस तरह से भी जब भी आएगी हम आपको जरूर से जरूर बता देंगे। वहीं अगर प्राइस की बात करें इस गाड़ी की, अगर ये इलेक्ट्रिक वर्जन में आ जाती है तो इसका प्राइस क्या रहने वाला है, दोस्तों अनुमानित ही लगाया जाता है 17 लाख रुपए के एक्स शोरूम के आसपास में देखने को मिल जाएगी ये गाड़ी, जिस तरह से मार्केट में अभी चर्चा चल रही है इस गाड़ी की। तो दोस्तों बहुत ही तगड़े तरीके से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। मार्केट में बहुत सी गाड़ियां इलेक्ट्रिक में आ चुकी हैं, आप आए दिन देखते भी होंगे, महिंद्रा की, टाटा की और भी काफी कंपनियों की, हुंडई की, काफी अच्छी गाड़ियां मार्केट में आ चुकी हैं। बट अभी ये गाड़ी टाटा मोटर्स की टाटा टियागो अभी इलेक्ट्रिक में अभी मार्केट में आई नहीं है। मतलब इसका, इसको तैयार तो कर लिया गया है पर अभी इसको लॉन्च करने का अभी कोई ऐसा समय निर्धारित नहीं किया है। जब भी ये समय निर्धारित होगा हम आपको किसी न किसी वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। दोस्तों सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे दोस्तों आपको एयरबैग्स, एबीसी, ईबीडी और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्क, मतलब काफी अच्छे डिस्क देखने को मिल जाएंगे। और गाइस आपको बता दें इसके अंदर काफी अच्छे आपको फायदा होने वाला है। दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत तकड़ी स्टेबिलिटी मिलती है और गाइस इस गाड़ी को आप बहुत ही आराम से चला सकते हैं, किसी ऐसे भी रोड पर चला सकते हैं और कैसा भी इससे आप प्रदर्शन दिखा सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं इस गाड़ी से कर सकते हैं, बहुत ही तकड़े फीचर्स के साथ में आपको देखने को मिलेगा। कलर ऑप्शन की बात करें तो कई तरह के कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाती है ये गाड़ी। और दोस्तों आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया है, हाँ लॉन्च जब होगी उस वीडियो को हम जरूर से जरूर बताएंगे, जब भी बताएंगे, जब भी ये लॉन्च होगी उस वीडियो को जरूर से जरूर हम बना लेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जरा भी पसंद है वीडियो को लाइक करके जरूर देना, अगर हमारे चैनल पेज पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर से जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।